इस बार नीट परीक्षा की टॉपर लिस्ट में विद्यापीठ शिमला के विद्यार्थियों का दबदबा रहा है। हिमाचल प्रदेश की चारवी देश भर में 136वां रैंक प्राप्त करते हुए स्टेट टॉपर बन गई है। शिमला की चारवी ने 720 में से 705 अंक लेकर 99% के साथ नीट एग्जाम पास किया है और हिमाचल प्रदेश में टॉप किया है। चारवी ने बताया कि इसका श्रेय वे विद्यापीठ को देना चाहेगी, जहां आकर उन्हें एक सही मार्गदर्शन मिला। चारवी ने कहा कि आज विद्यापीठ के अध्यापकों, परिवार के सदस्यों सहित उनकी कड़ी मेहनत का ही नतीजा है कि आज उन्होंने नीट एग्जाम क्लियर करने के साथ प्रदेश भर में टॉप करके अपने माता पिता, अपने क्षेत्र और विद्यापीठ का नाम रोशन किया है। सर, विद्यापीठ की तो मैं जितनी तारीफ करूँ कम है, क्योंकि विद्यापीठ आके मुझे एक सही डायरेक्शन मिली है कि इस डायरेक्शन में आपको काम करना है। हमें बहुत मोटिवेट करते हैं टीचर्स, पढ़ाने का तरीका तो है ही बेस्ट, फैसिलिटीज भी बेस्ट है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों की बात कर लें आप। और मैसेज मैं ये देना चाहूँगी कि बस आपको लगे रहना है, मतलब आपको बीच में मोटिवेशन डीमोटिवेशन होगा, बट आपको खुद पे ट्रस्ट करना है, टीचर्स की बात सुननी है और अपने पेरेंट्स का ख्याल करना है एंड टॉक टू देम अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, एंड बस बिलीव योरसेल्फ एंड यू कैन डू इट। वहीं विद्यापीठ शिमला संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर रमेश शर्मा और डायरेक्टर इंजीनियर रविंद्र अवस्थी ने इस उपलब्धि के लिए चारवी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की चारवी सप्टा ने देश भर में 136वां रैंक प्राप्त करते हुए न केवल अपने माता पिता का, प्रदेश का, बल्कि विद्यापीठ का नाम भी रोशन किया है, जो कि बेहद हर्ष का विषय है। और 2023 का ये साल हमारे लिए बहुत खुशियां लेके आया है, क्योंकि छोटा सा एक हमारे, क्योंकि सबसे कम शायद हमारे बच्चे होंगे जो कि एडमिशन में रहते हैं, 200 के आसपास बच्चे होते हैं, 220 के आसपास, तो 220 बच्चों में से तकरीबन हर साल अभी तक 40 से लेके 60 के बीच में हमारी MBBS की सिलेक्शन रेट रहता है। पर इस बार हमारे लिए खास इसलिए कि ये VTI ने हिमाचल में टॉप किया है। 720 में से 705 नंबर लेना बहुत मुश्किल काम है, 3 ही क्वेश्चन मिस किए हैं, लेकिन हमारे लिए बहुत खास पल बना दिया इस VTI ने और पूरे हिमाचल को एक अलग से पहचान दी है। और कंग्रेचुलेशंस VTI को भी। और एक चीज़ और मैं जो बोलना चाहूँगा वो ये है कि ये छोटा सा जो हमारा 220 या 200 बच्चों के आसपास का ग्रुप होता है, सारे मोटिवेटेड बच्चे होते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, पूरा जोर लगाते हैं। और अगर कंपेरिजन करें हम लोग जैसे कोटा से कंपेयर करें, तो कोटा में जो मेन प्लेयर है उनके पास 2 लाख के आसपास बच्चे होते हैं। अब 2 लाख में से वो लोग कोई 4,000 निकालते हैं, कोई 5,000, ज़्यादा ज़्यादा 10,000 बच्चे निकालिए। अब 2 लाख में से 10,000 निकाले तो पेरेंट्स लोग ये नहीं डिपेंड कर पाते कि यार वो 1,90,000 वो बेचारे क्यों गए थे, तो वैसे फीस भरने कहते हैं, है ना। तो वैसे ही चंडीगढ़ से दिल्ली वेस्ट साइड चले जाएँ तो सारे इंस्टीट्यूट के पास तकरीबन 10,000 के पास बच्चे वहाँ पर रहते हैं, और 10,000 में से वो लोग निकाल पाते हैं सिर्फ कितने के, अप्रोक्सीमेटली कोई 300 बच्चे, कोई 400 बच्चे, ऐसे इतने के बच्चे वो निकाल पाते हैं। और यहाँ शिमला में भी हैं कुछ जिन्होंने अपने नई कई जगह ब्रांचेस खोली हैं, उनके पास 1,000 से 2,000 बच्चे होता है, निकलते सिर्फ उनके ये 60-70 बच्चे निकल पाते हैं। बोलते तो हैं कि 100 से ज़्यादा निकल रहे हैं, इतने बाद में पता चलता है कि कहीं कोई 60 निकल रहे हैं, कहीं 50। तो हमारा सक्सेस रेट जो है 200 बच्चों में से 40 से 60 बच्चे हर साल निकालना, मेरे ख्याल नॉर्थ इंडिया बेस्ट सक्सेस रेट है। अगर मैं विद्यापीठ के आज प्रेजेंट 2023 की बात करूं, तो इस बार तो हम जो है चारवी ने हम सब लोगों को माउंट एवरेस्ट की सैर करवा दी है क्योंकि ये हिमाचल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी बच्चे ने 700 क्रॉस किए हैं और वो भी 705। और इस पहाड़ जैसे लक्ष्य को अब भेद पाना इसके बाद बहुत मुश्किल होगा, पर नामुमकिन तो नहीं होगा, क्योंकि चारवी को हम बता दें कि हमारा टारगेट अब यही होगा कि अब हम 705 के पार जाएं तो हम जो आने वाली पीढ़ी है उनको इस तरह से प्रिपेयर करेंगे कि अब उनके आगे टारगेट है। चारवी के आगे 690 का टारगेट था, हालांकि चारवी का तो अपना टारगेट 720 में से 720 का था, पर 705 भी हम लोगों के लिए, पूरे हिमाचल के लिए, आज हिमाचल जो है बात बाहर भी हो रही है कि हिमाचल से भी कोई 705 ले सकता है, तो हम ये जरूर कहेंगे कि बच्चों की मेहनत है, इनके पीछे माँ बाप की दिन रात की मेहनत है और ये कोई एक साल का अफेयर नहीं है। मेरे ख्याल जब से नर्सरी KG जाना शुरू किया पेरेंट्स, तब से लेके इनके पीछे ढाल की तरह खड़े हैं और आज ये सारे बच्चे जो हमारे पीछे खड़े हैं सब एक से एक धुरंधर हैं,
और पूरे आने वाले फ्यूचर में इन बच्चों की मेहनत को देख के लग रहा है कि आने वाला फ्यूचर हिमाचल का बहुत ब्राइट है। और जहाँ तक चारबी का मैंने पढ़ाते हुए देखा है, उसके अंदर एक डिफरेंट सा अप्रोच है लाइफ की, और आने वाले वक्त में उसका हिमाचल के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होने वाला है। अगर विद्यापीठ की हम बात करें तो हम 2006 में शुरू हुए थे और वहाँ से आज तक ऊपरी चढ़े हैं, हमने पीछे नहीं देखा। जहाँ 2009 में भी हमने हिमाचल का टॉपर दिया, सेकंड टॉपर दिया, फिर 2011 में दिया, फर्स्ट और सेकंड दोनों टॉपर दिए। तो पर इस बार खास ये था कि सारा पूरा सेंट्रलाइज हो गया विद्यापीठ चारवी की वजह से, तो इन बच्चों को, सभी अभिभावकों को, इनके पेरेंट्स को, इनके पीछे इनके जो टीचर्स हैं, ऐसा नहीं है कि विद्यापीठ ने ही प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। एक नर्सरी से लेके जिस टीचर ने इनकी नींव को बनाया, चाहे वो प्राइमरी स्कूल थे, चाहे वो सेकेंडरी थे, हाई स्कूल से लेके जिन जहाँ से भी प्लस टू की, आज हम देखते हैं कि वो टीचर्स, सारे टीचर्स अगर आप देखें तो सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं, तो इसके जो पुराने स्कूल के टीचर्स थे, दे आर वेरी हैप्पी। इतने सालों बाद उनको भी लगा कि वो बिटिया जो छोटी सी इनके पास आई थी, आज उसने इतना बड़ा मकाम हासिल किया है। तो ये चीज़ें इतनी आसान भी नहीं आना है कि जैसा चारवी ने कहा, कंसिस्टेंट मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, तभी ये टारगेट अचीव हो सकते हैं। और अभी इन लोगों को भी मैं यही कहूँगा कि हाँ, हिमाचल में भी टॉप कर लिया, मार्क्स भी अच्छे हैं, पर रुकना नहीं है, अब जिंदगी में मेहनत करते रहना है, वरना ये तो नेचर का रूल है, जो मेहनत करेगा वो आगे जाएगा, जो नहीं करेगा वो पीछे रह जाएगा। तो इन शब्दों के साथ मैं सभी का, पेरेंट्स का, बच्चों का और विद्यापीठ पूरी फैकल्टी, चाहे नीचे से ऊपर जितने भी लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया है, उन सबको भी शुभकामनाएं, उन सबका हार्दिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।